हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिहार की जनगणना। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बिहार की जनगणना को करा दीजिए, इससे पहले आपको बहुत सारे टॉपिक कराया जा चुका है ऑलरेडी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। बिहार से संबंधित है तो बीपीएससी में जो बिहार का टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चंस पूछ जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बिहार की जनगणना से वो कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप इतना सारा डाटा याद रख लेते हैं तो काम चलने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए यार, शेयर आप लोग नहीं करते हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बिहार की जनगणना में, तो इसमें आपका जनसंख्या पूछा सकता है कि बिहार की जनसंख्या टोटल कितनी है। अगर हम ये आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग देखें, बिहार की जनगणना अकॉर्डिंग जो है 2011 के, तो 10,40,99,452। तो आप सिंपल सी भाषा में इसको याद रखिए, 10,41,00,000, ठीक है, 10,41,00,000। अब यहीं पे बात आ जाती है कि इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा, शहरी जनसंख्या कितना होगा। तो दो भागों में हमने बांटा, एक तरफ जो कि ग्रामीण जनसंख्या और दूसरी तरफ शहरी जनसंख्या। टोटल जनसंख्या का लगभग कह सकते हैं कि 88% जो जनसंख्या, 88 या 89 कह सकते हैं, 88.7% जो जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी 9,23,00,000 जो जनसंख्या है, 9,23,41,436 जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली है, और जा बाकी जो बचा शेष जो है वो 1,17,58,016 यानी कि 11.3% जो है वो शहरों में निवास करती है। तो आप यहाँ से इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जनसंख्या हो गया तो जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है आपको पता होगा, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो टोटल, अगर सभी स्टेट की बात करें, सभी स्टेट में सबसे टॉप पे रखा जाता है बिहार का जनसंख्या घनत्व, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर आपको 1106 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी पूछा सकता है कि जिलों की अगर हम बात करें कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वहां पे आपको याद रखना है कि शिवहर जनसंख्या जिला सबसे टॉप है। अच्छा, कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, जनसंख्या का मतलब भीड़ से याद रखिए कि भीड़, ठीक है, जनसंख्या मतलब भीड़। तो शिवहर यानी कि शिव से संबंध लीजिए, अगर आप शिव का मेला लगा हुआ है, भगवान शिव के अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि ज़्यादातर जो भीड़ कहाँ पे मिलेगा आपको, ज़्यादातर जो जनसंख्या घनत्व मिलेगा वो शिवहर में मिलेगा। और कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर में आपको 1880 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। बिहार की ये आपका जिला हो गया शिवहर। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो कैमूर 488, आपको ध्यान रखना है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कैमूर में। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका बिहार सबसे टॉप पे सभी स्टेट में। अगर सेकेंड रैंक पे पूछ ले कि बताइए कि दूसरा स्थान किसका है जनसंख्या घनत्व में, तो हम क्या कहेंगे, दूसरा जनसंख्या घनत्व में वेस्ट बंगाल, कितना आता है इसका, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान की अगर हम बात करें, थर्ड रैंक किसका है, थर्ड रैंक आपको केरल को रखना है, थर्ड रैंक केरल का, इसका 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है, राइट। अब बात करते हैं इसके आगे। अब देखिए, 2001 से लेकर के 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें कि दशकीय जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, कितनी प्रतिशत की, तो 25.42%। और सबसे ज्यादा किस जिले ने जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित किया, तो वह आपका मधेपुरा। और उससे अगर हम बात करें कि उल्टा सबसे कम किसने, तो गोपालगंज ने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, तो 25.42%। सबसे ज्यादा जो कि दशकीय जनसंख्या प्रतिशत किसने दर्शाया किस जिले ने, तो वो है मधेपुरा, कितना, 31.12%। और सबसे कम किसने, सबसे कम आपका गोपालगंज हो गया, 19.02%। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है, 25.42%, इसे याद रखिएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात आपका दो तरह से होता है, एक तो आपका पुरुष महिला पे लिंगानुपात बनता है, एक आपका शिशु पे लिंगानुपात बनता है। क्वेश्चंस को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चंस में शिशु लिंगानुपात कह रहा है या फिर डायरेक्ट लिंगानुपात पूछा जा रहा है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वहां पे आपका होता है 918। ये लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि
1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे आपका 918 महिलाएं, इस तरह से याद रखिए, ठीक है, 918 महिलाएं। ये बिहार की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 43 हो चुका है, 943, क्योंकि अगर आपका 2001 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 933 था, 933 अब आपका 943 हो गया प्रति 1000 पुरुषों पे। तो ये ध्यान रखना है लिंगानुपात कितना है, 918। और शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तब, यानी शिशु लिंगानुपात में 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, उसमें आपका 935 जो कि कह सकते हैं महिला प्रति पुरुष, यानी कि बालिका बालक पे रख सकते हैं इस तरह से, तो 935, ठीक है। अब सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, तो गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, कितना है, 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष, तो यहाँ पे इसका ज्यादा है। उस तरह से न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम में आपका मुंगेर हो जाएगा, 876 महिला प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। लिंगानुपात कितना, 918, सर्वाधिक कहाँ पे, गोपालगंज, सबसे कम आपका हो जाएगा मुंगेर में, क्लियर। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात 935 है, सर्वाधिक कहाँ पे होगा, सर्वाधिक आपका किशनगंज में है 971, और सबसे न्यूनतम कहाँ पे, वैशाली में 904, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इतना याद रखना। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब चीज क्लियरली समझ में आ रहा होगा, डाटा अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा, कौन सा जिला टॉप पे है, कौन सा जिला न्यूनतम स्थान पे है, उन दोनों को याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग साक्षरता, साक्षरता की अगर हम बात करें तो इसमें बिहार की जो साक्षरता है वो कितना है, 61.8%, ओवरऑल सभी स्टेट में सबसे कम है, ठीक है, ओवरऑल सभी स्टेट में सबसे कम है 61.8%। अब इसमें पुरुष साक्षरता कितना है, महिला साक्षरता कितना है, तो पुरुष साक्षरता 71.2%, जबकि महिला साक्षरता आपका 51.5, यानी कि 51.5%, इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिहार का जो साक्षरता वो कितना है, बिहार का साक्षरता आपका हो जाता है 61.8%, जबकि पुरुष साक्षरता कितना हुआ, पुरुष साक्षरता आपको याद रखना 71.2%, और महिला साक्षरता कितना याद रखेंगे, 51.5%, 51.5%, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हुआ, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका हो जाता है रोहतास, रोहतास जो कि कितना प्रतिशत, 73.37%, याद रखने में सिंपल है, 73 और इसको पलट दीजिए उल्टा, 73.37%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हुआ, पूर्णिया, पूर्णिया। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि सर्वाधिक पुरुष या फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा हुआ, यानी कि सर्वाधिक की ही बात करें, पुरुष और महिला दोनों में रोहतास टॉप पे है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला में भी रोहतास टॉप पे है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हुआ, न्यूनतम महिला साक्षरता में आपका हो जाएगा सहरसा, जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता में हो जाएगा पूर्णिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना, राइट। तो आशा करते हैं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, सब चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे कि शहरीकरण की बात करें तो सर्वाधिक शहरीकरण वाला जो जिला है वो कौन सा है, पटना है, और सबसे कम जो शहरीकरण वाला जिला है वो समस्तीपुर है, समस्ती यानी कि मस्ती, मस्ती में रहते हैं इसलिए यह लोग विकास नहीं कर पाए, ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जा सकता है वो आपका है लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में शिवहर टॉप पे, शिवहर टॉप कैसे याद रखेंगे, तो शिव जी के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगा रहता है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है शिवहर, और सबसे कम कैमूर में। जनसंख्या घनत्व में टॉप पे आपका हो जाता है जो कि गोपालगंज, और सबसे कम में मुंगेर, और शिशु जनसंख्या घनत्व में टॉप पे किशनगंज, और सबसे न्यूनतम आपका हो जाता है वैशाली। यहां तक समस्या नहीं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्शाया कितना गया, 25.42%, सबसे ज्यादा किसने दर्शाया, मधेपुरा, सबसे कम किसने दर्शाया, गोपालगंज ने। साक्षरता 61.8%, पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता हो जाता है 51.5%, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा, हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।